बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो एवरीवन विल बी फाइन एंड डूइंग देयर वर्क ऑन योर रफ नोटबुक्स. टुडे वी हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4. वी ऑलरेडी डन द क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 3. इफ एल इज़ अ सेट ऑफ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, एम इज़ अ सेट ऑफ -2, 0 and 2, and n is a set of 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. Plus minus are also depict the integers. Integers ko show karte hain ye, then verify. Isme bhi again properties ko verify karna hai. First question is similar with the pattern of the second question. Wo already hum done kar chuke hain, toh I can hope ke aap log isko easily solve kar lenge. Humne aaj karna hai question 3 का पार्ट 2. उसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है कि आपने L डिफरेंस M फाइंड आउट करना है. हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिफरेंस का जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किए थे, और उसमें हमने क्लियरली, यानी मैंने आपको उसको क्लियरली समझाया था कि आप जब डिफरेंस की बात करते हैं तो जो आपका फर्स्ट सेट लिखा हुआ होता है उसमें से आपने सेकंड सेट का डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है. यानी दोनों सेट्स की जब आप अमाउंट लिखते हैं तो फिर देखिए जो एल सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और एम सेट में प्रेजेंट नहीं हैं वो आपने आंसर में मेंशन करने होते हैं. यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अपनी नोटबुक को रेडी रखें, और हमेशा नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए, उसमें आप अपने जो डेट एंड डे टॉपिक हर चीज़ को लिख के रेडी होकर बैठा करें. देन वॉच द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन विद मी. दैट्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस. अब जब थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें आ गया एल डिफरेंस एम इज नॉट इक्वल. जब आपके इक्वल का साइन इस तरह कट हुआ हुआ होता है उसका मतलब होता है इट्स नॉट इक्वल. यानी इनका जो आंसर होगा वो अगले वालों के आंसर के साथ बिल्कुल डिफरेंट होगा. तो एम डिफरेंस L. अब जब इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इनकी अमाउंट्स को लिखते हैं. यानी हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा L डिफरेंस M, तो हम इनकी अमाउंट्स को यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे. L की अमाउंट हमारे पास क्या थी? -3, -2, -1, 0 एंड देन 1, 2. योर ब्रैकेट इज क्लोज हेयर. देन पुट द डिफरेंस साइन हेयर एंड राइट द अमाउंट ऑफ M सेट. That amounts are -2, 0, 2 and your set is closed here. Ab clearly you have to find the difference here. Must put the equal sign there. Ab isme dekhen ki what are the amounts present in L set but not present in M set. So these amounts are -3 and -1. हमारे पास 1 भी प्रेजेंट नहीं था इस सेट में, तो हमारे आंसर के साथ क्या आ गया? -3, -1, -1 की वैल्यू आ गई. अब हमारी ये कौन सी साइड क्लियर हो चुकी है? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. अब जब राइट हैंड साइड की तरफ हम आते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं? हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है एम डिफरेंस एल. यानी एम सेट को अपने पहले लिखना है, दैट इज़ -2, 0, 2 एंड देन डिफरेंस का साइन डाल के आप एल की सारी वैल्यूज़ लिखेंगे. दैट इज़ -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2. आपका सेट यहाँ पे क्लोज हो गया. अब जब इन दोनों का डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या डिफरेंस इसमें नज़र आ रहा है? आपकी जो सारी एम की वैल्यू है वो एम में प्रेजेंट, एल में प्रेजेंट है. इट मीन्स इनका डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है. उसको तो आप एम्प्टी सेट कंसिडर करेंगे, क्योंकि -2 यहाँ पे भी है, -2 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, 2 इज़ हेयर एंड 2 इज़ ऑल्सो देयर. तो इट्स एम्प्टी सेट हेयर, कि जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं बचती उसको एम्प्टी सेट लिखा जाता है. तो यहाँ पे आपने क्या मेंशन करना है? योर राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है, यानी उसका आंसर भी आपके पास आ गया. तो अब जब दोनों को लिखेंगे तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे? कि इट्स प्रूव्ड. हमने प्रूफ कर लिया जो उन्होंने हमें पहले क्वेश्चन दिया था ना, कि वो इक्वल नहीं है एक दूसरे के. इट्स प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल. इक्वल का साइन डाले क्रॉस इट, इट मीन्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट्स डन द क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2 हेयर.